आप तो अभी भी शादी किसी से करना चाहें तो लड़कियां तो यूं हंस के मिले आपको। हाँ लेकिन वो अपनी 1 लाख पेंशन है हाली यार। सर कभी दूसरी तीसरी चौथी शादी का ख्याल नहीं आया? वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद आसिफ। आपको पता है मैं भी मलिक। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अच्छा सर क्या करते हैं आप? मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट नो इरिगेशन डिपार्टमेंट। ओके सो कब से रिटायर्ड है? कोई ये तीसरा साल चल रहा है। अच्छा तो रिटायर्ड लाइफ ज्यादा अच्छी है या फिर उससे पहले वाली? पहले वाली अच्छी है। तब तो अथॉरिटी होती है इंसान के पास। यस ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो जब सर एक झटके से आप यूं से यूं हो जाते हैं तो वो फीलिंग्स कैसी होती है? ये इसमें थोड़ा सा अपने आप को खुद को तैयार करना रखना पड़ता है कि वो जो पहली एक्टिविटीज होती हैं हमारी वो सारी खत्म हो जाती हैं और बंदा जो है ना वो बड़ा अजीब सी कैफियत में आ जाता है। तो वो सोचता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, दूसरी दुनिया लगती है। बिल्कुल। तो वो अल्लाह को याद अब करने का मौका है तो करना चाहिए। आपके हाथ में तस्बीह नजर आ रही है, ये साफ दिख रहा है। यानी अल्लाह को याद करने का वक्त हुआ जाता है। यही काम करते हैं। कौन सा वर्द सबसे ज्यादा करते हैं? देखे जी इसमें इस्तिग़फ़ार जो है या दुरूद शरीफ दुरूद पाक जो है सबसे ज्यादा। जी बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सर पेंशन कितनी आती है आपकी? वेरी सॉरी आपसे सवाल कर रही हूँ लेकिन बता दें। 1 लाख से अबव है सर। फिर तो आप जब थे अपने ये काम कर रहे थे तब कितनी सैलरी थी आपकी? 175। सर नॉट बैड 1 लाख, इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड स्पेशली अभी के दिनों में। जी अभी तो बहुत, मेरा नहीं ख्याल कभी वो आप तो अभी भी शादी किसी से करना चाहें तो लड़कियां तो यूं हंस के मिले आपको। हाँ लेकिन वो अपनी 1 लाख पेंशन है हाली यार। जी जी वो असल में ये है कि अभी महंगाई बहुत ज्यादा, वो भी नहीं पूरी हो रही। अच्छा हाँ जी। आपके पैसे कहाँ लगते हैं? बस ज्यादातर वो मेरी वाइफ है वो मेडिसिन वगैरह और मैं हूँ बस, बच्चे जो इंडिपेंडेंट हो गए अब। तो सर वाइफ इतने पैसे कहाँ लगा देती हैं? वो आपको खुद ही पता है आप किधर लगाती हैं। शॉपिंग पे? यस। लव मैरिज थी आपकी? अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी बट अभी तक आप माशाल्लाह जवान है। कितने साल एज है आपकी? मेरी 63। 63 माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी वाइफ की कितनी एज है? अबाउट 62। सर उनकी एक अच्छी आदत बताएं एक बुरी आदत बताएं। उन्होंने मुझे बर्दाश्त किया है। ये अच्छी आदत है। यस। और बुरी आदत क्या है उनकी? बस बुरी तो बहुत सारी लगती है। कोई एक बताए ना हमें, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। बुरी यही है कि जरा मेरे साथ रह रही है। अच्छा नहीं 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 खर्चा जरा हथौला रखे बस और क्या है। कि पैसे यूं उड़ाती हैं। जी जी सर देखिए वो तो लड़कियों की नेचर में होता है ना। जी एग्जैक्टली है सही। आप पैसे कहाँ लेके जाने हैं? नहीं कहीं भी लेकिन उसको जरा किफायतशारी से हो तो अच्छी बात है। सर कभी दूसरी तीसरी चौथी शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं अभी तक तो नहीं है। सर कब सोचेंगे जाके? देखिए आप अल्लाह खैर करे फिर दोबारा जब जवान होंगे तो फिर दोबारा जवान होंगे। अब दोबारा से आपका बच्चा बनने का टाइम आ गया। यस सब बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी का कोई फनी सा गम क्या है या क्या रहा है अभी तक? जैसे मेरे तो ये है कि कल रात को मूंगफली के दाने में मूंगफली नहीं थी, ये फनी गम था मेरा। बस लाइफ में तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं। अब अभी याददाश्त हुआ है वो मुझे वो तकरीबन अब थोड़ा सा उसमें है मसला। तो सर आपका हिडन टैलेंट क्या है? मैं ज़्यादातर जो है ना वो इसमें पसंद करता हूँ क्रिकेट को और इसके अलावा तो कोई ख़ास शौक नहीं रहा। सर आप फील्डिंग करना तो पसंद नहीं करते होंगे, बैटिंग में इंटरेस्ट होगा? बस ऑलराउंडर ही समझिए आप। चले जबरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेज देना चाहें? यू वेरी वेलकम। बस यही है कि खुश रहें आप, टेंशन कम और ये जो लोगों में ये सिलसिला जो शुरू हो चुका है सियासी तौर पर लोग डिप्रेशन में हैं, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, तो ऐसी बातें मत करें आप। यूनिटी यकजहती रखें आपस में। बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत शुक्रिया। यू वेरी वेलकम।